है एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरी स्वीट फैमिली? उम्मीद करती हूँ गाइस अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, जैसे मैं ऑफिस से आई थी उसके बाद मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी। मैं सो गई थी बिल्कुल, कपड़ा भी नहीं चेंज किया। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, थोड़ी सी मैं ऑफिस में अपने फ्रेंड लोग के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शूट की, मतलब पूरा नहीं थोड़ी सी कर पाई। और उसके बाद आई ऑफिस से, उसके बाद ड्रेस भी नहीं चेंज की हूँ, वैसे ही सो गई। और जैसे बुरी हालत देख सकते हो, बाल कैसे बिखर गया बिल्कुल बुरी तरीके से। और पता नहीं मुझे क्या हो गया है, इतनी नींद आती है। मैं आज मॉर्निंग में सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, कुछ तो ज़रूर है कि इतनी नींद आने लगी है। पहले बीच में हुआ था कि हस्बैंड के वैसे घटना होने के बाद मैं पूरे पूरे रात जागी रहती थी, नींद लगती ही नहीं थी बिल्कुल भी नहीं। रात भर देखती रहती थी, मतलब ये देखती थी मुझे हस्बैंड दिखेंगे इधर उधर। अब तो बिल्कुल इतनी नींद आने लगी, इतनी कि मैं अपने नींद से खुद परेशान हूँ। दोपहर में भी 2 घंटे सो लेती हूँ, उसके बाद नाइट में 8:30 बजे से ही मुझे नींद सी लगने लगती है। तो गाइज, आप लोग प्लीज़, आप लोगों को कोई आइडिया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इतनी नींद क्यों आ रही है। और मेरा बॉडी भी ऐसे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ, और जैसे काम वाम करने में हाफ सी चढ़ रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील हो रही है, खड़े होने का इच्छा नहीं कर रहा है। और हेल्थ ऐसे दिख रहा है जैसे मैं पहले से मोटी होते जा रही हूँ। तो पता नहीं अंदर से क्या कोई बीमारी हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और पूरा फेस चिप चिप कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। सॉरी से देखते हैं अम्मा, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, क्योंकि मैं रेड चुनरी ले रही थी ना, इसलिए अम्मा आप बहुत सुंदर लग रही हो। देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, होमवर्क हो रहा है, हैं? इतना सारा बुक निकाल दिए, पेंसिल ही नहीं मिला है, टाइम पास नहीं करो, ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। 2 बज गया। चलिए मैं चलती हूँ किचन में। गाइस देख सकते हैं, मैं ऑफिस से आते टाइम आम दिखा था तो आम ले आई थी, अभी सीजन में नीम ही आया है। तो मैं उससे पूछ रही थी कि अभी डाउट लगता है ना, अभी मीठा होगा या नहीं होगा, तो मैं लेकर आई हूँ। और क्योंकि सॉरेशन कोई फ्रूट नहीं खाते हैं बट मैंगो खाता है, तो मैं सोची ले आती हूँ। और मेरे घर चूहा का कमाल देख सकते हो आप, थोड़ी सी भी नेक सी देर में कोई भी सामान रखो बर्बाद कर दे रहा है बिल्कुल बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है चूहा, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और इसे मैं 1 घंटे तक पानी में डाल दूँगी, और पानी में इसे निकाल के फिर फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद ही बच्चे लोग को दूँगी। इसे अभी मैं डाल देती हूँ पानी में। और अभी चलती हूँ गाइज, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। ओके, लंच के टॉपर ले लीजिए, अभी तक कोई वर्क नहीं कर रहा, वर्क नहीं है भाई, सोशल मीडिया पे सभी है। ब्रांच, इन लोगों को ब्रांच में काम नहीं है, हम लोग को काम नहीं, हम लोग को काम नहीं मिला है। इन लोग
आज ही इनका एक्टिवेशन, तो कल पार्टी देंगे। मैं कल खाना खा कर नहीं आऊँगी। चलो तो गाइस अभी मैं मिल रही हूँ आप लोग से बिल्कुल नाइट के टाइम में। तो अभी हो गया है 9:00 और मैं डिनर रेडी कर रही हूँ। कुछ डिनर रेडी हो गया है, कुछ बाकी है और बहुत गर्मी है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं बनाई हूँ ये भिंडी की सब्जी, मसाले वाली भिंडी बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ दाल, तड़के लगा ली हूँ। इसमें बनाई हूँ चावल। और यहाँ पे देख सकते हो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की भुजिया, क्योंकि हमारे बच्चे को भिंडी नहीं पसंद है तो इसलिए मैं बना रही हूँ आलू गोभी की भुजिया। तो बस अब मेरा लास्ट भी यही बन रहा है और सैलेड और आम। तो आज का डिनर हमारा यही रहेगा, दाल चावल भिंडी की भुजिया, नहीं सॉरी भिंडी की सब्जी, आलू गोभी की भुजिया और खीरा की सैलेड एंड आम। तो बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, खड़े होने का ही इच्छा नहीं कर रहा है, बट हम लोग नहीं खाएंगे सब्जी तो मैं सोची थोड़ी सी भुजिया बना दूँ। तो उन लोगों के लिए मैं भुजिया बना रही हूँ। और इतनी गर्मी हो रही है, प्लस मुझे पता नहीं बीपी उपी का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है, बहुत चक्कर से आ रहा है काम करने का। अभी मैं हॉल में ऐसे ही लेटी थी, बिना बिस्तर कुछ भी नहीं, बस फैन चला के मैं ऐसे ही चुपचाप लेटी थी। बच्चे दोनों गए थे सोनम के पास पढ़ने के लिए। यही माइंड में चलते रहता है, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है किसी के पीछे से तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है। बच्चे भी इतने छोटे छोटे हैं कि अगर कुछ मुझे होता है तो कैच नहीं कर पाएंगे, और बाकी कोई नहीं है। ऐसे ही लेटी थी, सोच रही थी, आंख से आंसू निकल रहे थे। यही होता है, यही हमारा लाइफ। चलिए फटाफट पहले मैं बना लेती हूँ गाइस सब्जी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। और दो चार बर्तन पड़े हैं वो भी मैं अभी क्लीन कर लूँगी।